बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज लखनऊ पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने बड़ी बैठक की है। शाह का यह दौरा यूपी की चुनौतियों के चक्रव्यूह को भेदने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये चार तस्वीरें चुनौतियों के उस चक्रव्यूह की हैं जिसमें यूपी में बीजेपी की योगी सरकार फंसी है और रणनीति बनाने पहुंचे हैं चाणक्य अमित शाह। चुनौतियों के चारों चक्रव्यूह को आपको समझाएंगे। ये तस्वीरें देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर जैसे ही अमित शाह प्लेन से उतरे, खुद सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। देखिए अमित शाह को खुश करने के लिए कैसे यूपी के नेता लाइन में लगकर फूल थमा रहे हैं। अब बात यूपी में बीजेपी की चुनौतियों की। लखनऊ पहुंचे अमित शाह नाराज सांसदों और सहयोगी दल के नेताओं से मिल रहे हैं। सुहेल देव पार्टी के राजभर तवज्जो न मिलने से बागी तेवर दिखा रहे हैं, तो दलितों के नाम पर यूपी से कई सांसद पार्टी की लाइन से अलग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें मनाना बड़ी चुनौती है। फूलपुर और गोरखपुर से भी पार्टी परेशान है। दोनों ही जगह एसपी बीएसपी के गठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया। अब अमित शाह को ऐसी रणनीति बनानी है कि इस जोड़ी का जोर जनता पर ना चले। तीसरी चुनौती योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी की जानी है। कई मंत्रियों के बारे में फीडबैक ठीक नहीं है तो कई पुराने लोग लाइन में हैं। अमित शाह चाहेंगे कि मिशन 2019 को कामयाब बनाने के लिए जातिगत समीकरण फिट किए जाएं। कानून व्यवस्था वो मुद्दा है जिसको बीजेपी ने यूपी चुनाव में खूब भुनाया था, लेकिन अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला उन्नाव में रेप का है और आरोप योगी सरकार के विधायक पर लगा है। इन चुनौतियों का जल्द हल ढूंढना अमित शाह के लिए बेहद जरूरी है। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।